सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम रियल एस्टेट और फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के बारे में कि किस तरीके से आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, किस तरीके से आपको उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए और क्या राइट्स बनते हैं आपके रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट के अंदर। ये वीडियो हमारी हाउ टू बाय प्रॉपर्टी सीरीज में दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी को किस तरीके से खरीदा जाता है। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को खरीदने का क्या सही तरीका है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए बिल्डर के, किस तरीके से आप प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड चेक करते हैं और आपके क्या क्या रेरा के अंदर राइट्स बनते हैं। अब क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी थोड़ी सी रिस्की होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो उसके अंदर एक डिले का रिस्क हो जाता है या डिलीवरी ना करने का बिल्डर की वो रिस्क हो जाता है। तो इस टाइप के रिस्क आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं और आपके क्या क्या राइट्स हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो इस वीडियो के अंदर हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को खरीदने का पूरा प्रोसेस जानेंगे और साथ ही में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं रेरा के बारे में, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसके अंदर सारी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज को रजिस्टर कराना भी जरूरी है। तो उसके बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे कि आपके भी क्या क्या राइट्स हैं, आप किस तरीके से बिल्डर से कुछ कुछ अपने राइट्स की मांग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को खरीदने का पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जब भी आप कोई खरीदना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप अपना पर्पस आइडेंटिफाई करें कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहते हैं या सेल्फ यूज के लिए खरीदना चाहते हैं। अब एक चीज मैं आपको पहले ही अपफ्रंट बता देता हूं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को खरीदने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो थोड़ी सी चीपर होती है, मतलब वो थोड़ी सी सस्ती पड़ती है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी से, क्योंकि वो अभी तक पूरी कंस्ट्रक्टेड नहीं है, एक थोड़ा सा रिस्क है, आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, इसी वजह से वो थोड़ी सी सस्ती पड़ती हैं। इसीलिए बहुत लोग इन्वेस्टमेंट के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट भी करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरा एक मानना है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ है कि नहीं है उस एरिया के अंदर। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप हो रहा है उस एरिया के अंदर, जॉब ग्रोथ है कि नहीं है। अब जॉब ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जॉब ग्रोथ तब होती है जब वहां पे इंडस्ट्रीज आती हैं, कंपनीज आती हैं। अब एग्जांपल के तौर पे गुड़गांव, नोएडा जैसी जगहों पे काफ़ी रियल एस्टेट अप्रिशिएट हुई है, बेंगलोर के वाइट फील्ड एरिया में, मुंबई में नवी मुंबई एरिया में काफ़ी अप्रिशिएट हुई है रियल एस्टेट। उसका मेन रीज़न है कि वहां पे जॉब ग्रोथ हुई है पिछले 10-15 सालों में। इस वजह से अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि कहाँ पर ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं, कहाँ पर हाई पेइंग जॉब्स आ रही हैं। ऐसे एरिया में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपने एक बार एरिया आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे यहां पे इन्वेस्ट करना है, फिर आप अपनी प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। अब प्रॉपर्टी सर्च करने के भी दो तरीके हैं मेनली। एक तो आप ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, आजकल काफी सारे पोर्टल्स हैं, 99acres है, मैजिक ब्रिक्स है, मकान.com, housing.com, कॉमन फ्लोर, इस तरीके के काफी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां पे बिल्डर्स जो अपना है अपना डायरेक्ट करते हैं वहां पे ऐड, आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज आप किसी ब्रोकर या कोई भी बिल्डर का चैनल सेल्स पार्टनर होता है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। वहां पे एक थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है, अगर आप किसी चैनल सेल्स पार्टनर के या एजेंट के थ्रू जाते हैं तो आपको कुछ कैशबैक ऑफर कर देते हैं ब्रोकर्स, तो वहां पे आपको थोड़ा फायदा हो सकता है। उसके बाद आपने एक बार प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर ली इन्वेस्ट करने के लिए, फिर आपके लिए नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आप कंप्लीट ड्यू डिलीजेंस कर लें, उस प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड चेक कर लें। अब यहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसको आप लाइटली ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी फ्रॉड इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम लोग एज इन्वेस्टर्स ढंग से ड्यू डिलीजेंस नहीं करते हैं, बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता देता हूं किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कोई भी बिकती है तो उसको रेरा में रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है हर प्रोजेक्ट को अलग से। तो आप सबसे पहले उसका रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे किसी भी बिल्डर से, और हर बिल्डर को रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर कोट करना भी बहुत जरूरी है। रेरा के बारे में मैंने काफी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप वाला मेरा वीडियो जरूर देखिए अगर आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो।
अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो 500 स्क्वायर मीटर के से ज्यादा के एरिया में बनती है तो वो रेरा के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। किसी भी बिल्डर को रेरा के अंदर रजिस्टर कराना जरूरी हो जाता है। रेरा बेसिकली रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है जो 2016 में पास हुआ था, तो इसीलिए ये रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर आप बहुत जरूरी है कि किसी भी बिल्डर से मांगे। ये आपको काफी ज्यादा राइट्स देता है एज बायर और आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फ्रॉड, राइट। उसके बाद आप लैंड टाइटल देखें कि जो बिल्डर आपको मकान बेच रहा है वो लैंड उसके नाम पे है भी कि नहीं है, उसका क्या एग्जैक्ट स्टेटस है। लैंड टाइटल आज की डेट में आप ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं हर स्टेट के अंदर कि आप ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड्स कैसे चेक कर सकते हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। बहुत इसमें हार्डली आपको 2 मिनट लगेंगे, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको चेक करना होता है कि अप्रूवल्स आ गए हैं कि नहीं बिल्डर के पास, कौन कौन से अप्रूवल्स आ चुके हैं। उसमें एक हो जाता है चेंज इन लैंड यूज, कि एग्रीकल्चरल लैंड या कोई भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड थी उसको उसने रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में जिस भी तरीके की वो प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है उसको CLU का अप्रूवल मिल चुका है कि नहीं, लेआउट उसका अप्रूव हो चुका है कि नहीं, आप उससे अप्रूव्ड लेआउट की कॉपी जरूर मांगिए। फिर साथ में उसके बिल्डिंग प्लान्स, स्ट्रक्चरल प्लान्स, सर्विस प्लान्स जितने भी हैं वो प्लान्स अप्रूव हो चुके हैं कि नहीं। फिर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके लिए कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है डेवलपमेंट अथॉरिटी से वहां की लोकल, तो वो उसको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं। अब ये सारे के सारे जो अप्रूवल्स का स्टेटस होता है ये भी रेरा की वेबसाइट पे अपडेट करना बिल्डर को बहुत जरूरी होता है, तो आप वहां पे ये रेरा की वेबसाइट से चेक भी कर सकते हैं। फिर बहुत जरूरी है कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कि उसने टाइम पे डिलीवरी करी है कि नहीं करी है। कोई बहुत नया बिल्डर है तो आप उसके साथ ना जाएं, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखिए कि किस तरीके से उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। फिर इसके अंदर एक और बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट बैंक से अप्रूव्ड है, दैट मींस उस बैंक ने ये सारा ड्यू डिलीजेंस ऑलरेडी कर लिया है, तो ये काफी अच्छा इंडिकेटर होता है कि उसका एक कंप्लीट बैकग्राउंड चेक हो चुका है प्रॉपर्टी का और आप सेफली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आप APF कोड मांग सकते हैं। APF कोड होता है हर प्रोजेक्ट का, बैंक अप्रूव जिसको करता है वो एक APF कोड देता है। APF कोड के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आप किसी भी बिल्डर से APF कोड मांगिए उसका, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो बैंक से अप्रूव्ड है कि नहीं है। फिर बुकिंग एट राइट प्राइस, आपने एक बार कंप्लीट बैकग्राउंड चेक कर लिया उसके बाद बुकिंग करेंगे आप, लेकिन उस बुकिंग को राइट प्राइस पे करना जरूरी है। आपको प्रॉपर्टी का सही वैल्यू लगाएं, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा रेट हो रखा है प्रॉपर्टी का तो आप उस टाइम पे ना करें इन्वेस्ट, आपको सही टाइम पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो एक तो टाइमिंग होती है आपकी राइट प्राइस के लिए और दूसरा होता है कि आप उसकी सही वैल्यू लगाएं। आप मान लीजिए सर्वे करते हैं पूरे एक एरिया का, तो आप वहां पे देखिए कि कौन सी प्रॉपर्टीज सही प्राइस में मिल रही है और कौन सी ओवर प्राइस है। अब प्रॉपर्टी वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, मैंने इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को लैंड एंड बिल्डिंग मेथड से किस तरीके से राइट प्रॉपर्टी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आप वो कैलकुलेट करिए तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से वैल्यू निकलती है और आप किस पॉइंट पे बुकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा बुकिंग करने से पहले आप एग्जैक्ट कारपेट एरिया जान लीजिए उस प्रॉपर्टी का, कितना आपको कारपेट एरिया मिल रहा है। अब रेरा के अंदर कारपेट एरिया कोट करना हर बिल्डर के लिए जरूरी हो चुका है। उसके अलावा पेमेंट प्लान क्या होगा आपका वो जान लीजिए। बहुत सारे तरीके के स्कीम्स निकलते हैं इसके अंदर कि आप अपफ्रंट पे कर दीजिए, सबवेंशन स्कीम्स होती हैं, लेकिन बेस्ट स्कीम मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान होता है कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती जाती है आप उस तरीके से पेमेंट करते जाइए स्टेज वाइज बिल्डर को, राइट। उसके बाद आपने एक बार बुकिंग कर ली, आप अलॉटमेंट लेटर साइन होता है बिल्डर और बायर के बीच में, तो आप अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा बिल्डर की तरफ से जिसके अंदर एक बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। उसके बाद आप अलॉटमेंट लेटर के बाद एक डिटेल्ड बिल्डर एंड बायर अग्रीमेंट साइन होता है, इसके अंदर डिटेल्ड टर्म्स लिखी जाती हैं कि किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे, क्या शेड्यूल होगा पेमेंट का, कंस्ट्रक्शन का क्या शेड्यूल होगा, लेआउट प्लान दिया जाता है, क्या आपको स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी ये लिखा जाता है, किस तरीके की पेनल्टी लगेगी अगर बिल्डर डिले करता है या अगर आप पेमेंट डिले करते हैं। तो ये बिल्डर बायर अग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जब तक आपको हैंडओवर नहीं हो जाता है इसी के हिसाब से आपके सारे राइट्स डिफाइन होते हैं।
इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा जब हम रेरा के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। उसके बाद अब हमारा क्या प्रोसेस होता है, एक बार आपका ये बिल्डर बायर अग्रीमेंट साइन हो गया तो आपका ये सारा बिफोर कंस्ट्रक्शन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप पेमेंट करते जाते हैं, जो भी आपने यहाँ पे बिल्डर बायर अग्रीमेंट में पेमेंट शेड्यूल बना है आपका, उसके हिसाब से आपकी पेमेंट होती जाती है। तो ये जनरली जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है ये 2 से 3 साल का होता है। तो ये जो पेमेंट है, या तो आप बैंक लोन ले सकते हैं, बैंक लोन भी जनरली अवेलेबल होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का के ऊपर। मैंने यहाँ पे आपसे अभी बात भी की थी कि बैंक लोन अप्रूव्ड है कि नहीं है, वो आप चेक भी कर सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हैं, आपके अगर खुद के रिसोर्सेज हैं तो आप वैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जब पेमेंट कंप्लीट हो जाती है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो बिल्डर को कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना होता है। ये भी काफी जरूरी होता है, ये भी रेरा के अंदर इसको कंपलसरी कर दिया गया है कि बिल्डर ही कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेगा। इसके अंदर भी काफी फ्रॉड हो जाया करता था पहले, लेकिन आई थिंक रेरा के आने के बाद ये इस तरीके के फ्रॉड भी कम होंगे। और कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जब मिल जाता है बिल्डर को, उसके बाद वो आपके लिए सेल डीड रजिस्टर करा के देगा आपको। हालांकि पेमेंट आपको करनी होगी, उसके लिए स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं जो 4 से 10% के ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू होते हैं। हर स्टेट में ये अलग होता है, किसी स्टेट में ये 4-5% होता है, किसी स्टेट में ये 8-9-10% तक भी चला जाता है प्रॉपर्टी वैल्यू का। और ये जो सेल डीड होता है ये आपका फाइनल ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है, इसके बाद ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप कंप्लीटली आपके नाम पे। सेल डीड एक बार आपकी रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद आपको सिर्फ पोजेशन सर्टिफिकेट लेना होता है बिल्डर से, और साथ में आपको बिल्स जितने भी हैं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल है, इनके अंदर नाम चेंज कराना होता है। शेयर सर्टिफिकेट में नाम चेंज कराना होता है CGHS के केस में, मान लीजिए कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपने कोई मकान खरीदा है तो उसके अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। बिल्डर प्रॉपर्टी के अंदर ये जरूरी नहीं होता है, शेयर सर्टिफिकेट बिल्डर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं होता है जरूरी, मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। तो अगर आप किसी बिल्डर से ले रहे हैं तो वहां पर कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने क्लियरली यहां पे लिख दिया है। और प्रॉपर्टी टैक्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आपको प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अपना नाम अपडेट कराना जरूरी होता है। तो ये होता है हमारा कंप्लीट प्रोसेस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का। तो बिफोर कंस्ट्रक्शन का जो होता है वो रेड कलर से जो आप देख रहे हैं मैंने मार्क किया है, ये वाला बिफोर कंस्ट्रक्शन आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ये मैंने येलो कलर से मार्क किया है कि खाली आपको पेमेंट करनी होती है, आपके पास इनवॉइसेज आती रहती हैं बिल्डर की और आप पेमेंट करते हैं और उसके बाद आपको रिसीट आ जाती है। और आफ्टर कंस्ट्रक्शन का ये 3 स्टेप हो जाते हैं, पहले आप कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ले लेते हैं, सेल डीड आपकी रजिस्टर हो जाती है और फिर आप अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर नाम चेंज करा लेते हैं। अब फाइनली हम देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से रेरा के अंदर राइट्स मिले हैं और रेरा के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो रेरा के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि बिल्डर को आपके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स और प्लान्स अपफ्रंट शेयर करने होंगे एट द टाइम ऑफ बुकिंग इटसेल्फ। तो जितने भी आपके अलॉटमेंट लेटर होता है, बिल्डर बायर अग्रीमेंट या कन्वेंस डीड, इनके ड्राफ्ट्स उसको रेरा की वेबसाइट पे अपलोड करने होंगे। जो भी आपकी स्टेट की रेरा वेबसाइट है उस पर हर प्रोजेक्ट का एक लिंक बनेगा, वहां पर ये सारे के सारे अपलोड करने होंगे बिल्डर को। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस तरीके के क्लॉजेस लिखे गए हैं। उसके बाद सैंक्शनड प्लान्स जितने भी हैं और स्पेसिफिकेशंस वो भी अपलोड करनी होंगी कि वो लेआउट प्लान क्या अप्रूव्ड है उसका, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर प्लान्स अप्रूव है जो भी होंगे वो अपलोड करने होंगे। सर्विस प्लान्स जितने भी वाटर सीवेज पाइपलाइंस हैं उनके भी प्लान्स अपलोड करने होंगे। उसके अलावा स्टेज वाइज कंप्लीशन शेड्यूल भी देना होगा, मान लीजिए उसने 3 साल का कंस्ट्रक्शन टाइम रखा है तो उसको कितने टाइम में वो कितना कंप्लीट कर देगा, कितना परसेंट कंप्लीट कर देगा, वो पूरा स्टेज वाइज कंप्लीशन शेड्यूल देना होगा। साथ में बिल्डर को ये भी डिक्लेयर करना होगा कि उसके अप्रूव्ड एजेंट्स या चैनल सेल्स पार्टनर्स कौन कौन से हैं। तो कोई भी एजेंट बिना अप्रूवल के और बिना रजिस्ट्रेशन के रेरा के साथ एजेंट्स को भी रजिस्टर कराना जरूरी है अगर वो कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो। फिर रेरा के अंदर एग्जैक्ट कारपेट एरिया कितना मिलने वाला है आपको वो डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है बिल्डर को, और उसके लिए आप लेआउट भी चेक कर सकते हैं। फिर साथ में इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो सेम होगी रेरा के हिसाब से। अगर मान लीजिए बिल्डर आप अपनी पेमेंट डिले करते हैं, मान लीजिए
तो अब बिल्डर जितना आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, मान लीजिए वो 12% चार्ज कर रहा है, तो आप भी अगर बिल्डर आपको डिले करता है पोजेशन देने में, तो बिल्डर को भी आपको 12% ही पे करना होगा। अगर बिल्डर के लिए मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं 12% है, तो वो आपके लिए भी 12% होगा। अगर उसके लिए 18% है तो आपके लिए भी 18% होगा। तो ये काफी अच्छी चीज रेरा के अंदर दी गई है। उसके अलावा एस्क्रो अकाउंट के अंदर सारा पैसा जाएगा, आप जितना भी पैसा बिल्डर को देंगे वो सारा का सारा एस्क्रो अकाउंट के अंदर डिपॉजिट होगा, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी उसी हिसाब से बिल्डर उसको निकाल पाएगा आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम सीए। उसके अलावा क्वार्टरली अपडेट्स देनी होंगी कंस्ट्रक्शन की बिल्डर को रेरा की वेबसाइट पे। ये सारी की सारी जो भी रेरा के ऊपर प्रोजेक्ट का जो लिंक होगा सारी अपडेट्स उसी पे जाएंगी। उसके अलावा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके देगा बिल्डर डेवलपमेंट अथॉरिटी से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद। इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की थी, और अगर आप मेरा एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो वाला प्लीज़ देखिए मेरा वीडियो। अगर मान लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है। उसके बाद बिल्डर कोई ऑल्टरेशन नहीं कर सकता है प्लान्स के अंदर विदाउट द अप्रूवल ऑफ अलॉटीज। तो उसको 2/3 मेजॉरिटी से 2/3 मेजॉरिटी जब तक अलॉटीज की अग्री नहीं करेगी वो कोई ऑल्टरेशन नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे बिल्डर्स इसके अंदर भी काफी फ्रॉड कर देते थे कि वो आपका कारपेट एरिया सुपर बिल्टअप एरिया बढ़ा के दिखा देते थे, ऑन पेपर दिखा देते थे उसको, और वो फिजिकली एक्चुअली बढ़ता नहीं था, वो ज्यादा पैसे मांग लेते थे आपसे। तो इस तरीके के कोई ऑल्टरेशंस बिल्डर नहीं कर पाएगा। तो ये सारे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपके एक तरीके से राइट्स हैं रेरा के अंदर, और रेरा के अंदर और भी किस तरीके के आपके राइट्स हैं उसके बारे में मैंने रेरा के ऊपर 2-3 काफी डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, आप वो वाले मेरे वीडियोस देख सकते हैं। रेरा के अंदर एक अपीलेट ट्राइब्यूनल भी होता है, आप अपील कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम होती है बिल्डर के साथ आपको, तो वो सारे के सारे डिटेल्स मैंने वीडियो के अंदर शेयर करे हैं, आप वो वाला वीडियो मेरा जरूर देखिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे एक्चुअली इस वीडियो को बनाने में काफी मजा आया। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, या अपना कोई आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कम्युनिटी के साथ, तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। मैं इस चैनल पे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस हर रोज अपडेट करता हूं, तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फोन में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।